हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? द फिनोमिनन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब क्या फिनोमिना है कि रिस्ट्रिक्ट कर दे वाइब्रेशन ऑफ लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इस चीज़ को यहाँ से समझो। देखो, जैसे ये एक अनपोलराइज लाइट है, ये वाइब्रेट कर रही है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही हमने एक पोलराइजर लगाया तो जो पोलराइज लाइट आई वो क्या हुई है, उसकी जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस पोलराइजर ने एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होने को। देखो, ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, इसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से, समझ रहे हो। बाकी सभी जो भी डायरेक्शन थे उनको क्या कर दिया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अलाउ किसको किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को वाइब्रेट होने के लिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। और परपेंडिकुलर होगा ये प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव के। देखो, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव कहाँ पर है, ये देखो जरा आप, ये प्रोपेगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है, किस डायरेक्शन में वो जा रही है, मोशन किस डायरेक्शन में है उसका, ठीक है। तो मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन देख लो, ये हो रही है और ये देखो वाइब्रेट हो रही है इसके परपेंडिकुलर। कितनी बात समझ में आई है, ये कहानी समझ में आई है। तो देखो, दोबारा से पढ़ लो इस डेफिनेशन को, क्या है, द फिनोमिनन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्ट कर देगा वाइब्रेशन ऑफ लाइट को किसमें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और साथ में क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये आपके पास जो आई है पोलराइज्ड लाइट आई है। और ये जो पोलराइजर होता है ये कैसा बना होता है, ये होता है आपके पास टर्मेलाइन क्रिस्टल का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पोलराइजर जो होगा वो क्या, वो कौन सा होगा, इसमें आपके पास टर्मेलाइन क्रिस्टल एक्ट एज अ पोलराइजर। कितनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी दिखाई हुई है पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। तो देखो, यहाँ पर दोबारा समझ लेते हैं ये चीज़। ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, ये पोलराइजर लग गया और ये पोलराइज्ड लाइट आ गई, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखो क्या, यहाँ पर एक एनालाइजर लगा होता है, ये भी एक पोलराइजर की तरीके का ही होता है, लेकिन यहाँ पोलराइज्ड हो चुकी है लाइट, तो हमने इसका नाम क्या दिया है, एनालाइजर। यहाँ पर पोलराइज्ड हो रही थी लाइट, तो इसको नाम दिया पोलराइजर। तो यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट आ गई, अब तो ये पोलराइज्ड लाइट ही है, तो यहाँ पर इसको हमने क्या नाम दे दिया, एनालाइजर दे दिया। एनालाइजर बिल्कुल पोलराइजर की तरीके के है, ठीक है। अभी देखो, ये जो एनालाइजर है, अगर आप इसमें देखें, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है ना। पोलराइजर के एनालाइजर क्या, बिल्कुल पैरेलल है। अगर इसके अंदर की एक्सिस देखो आप, ये इसके बिल्कुल साथ में ही बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसी लाइट यहाँ पर निकली है वैसी ही लाइट इसमें से एज इट इज़ पास हो जाएगी। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर में से निकलती है और पोलराइज्ड लाइट आती है, तब क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम तो ऑब्वियसली बात होगी ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिर्फ ये जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर वाली वाइब्रेशन थी, सिर्फ वो वाली पास आउट हुई है, ठीक है। तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। और वैसे याद रखना, जो इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की है, पोलराइज होने के बाद वो बिल्कुल हाफ रह जाती है। क्लियर। तो एनालाइजर, एनालाइजर के बाद बिल्कुल, अगर ये एनालाइजर इसकी बिल्कुल सेम पोजीशन पे है जैसे कि पोलराइजर है, तो आपको लाइट बिल्कुल एज इट इज मिलेगी जो कि पोलराइजर के बाद दिख रही थी, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं इसमें, कि अगर एनालाइजर जो है इसके 90 डिग्री हो, जैसे ये देखो, ये वाली एक्सिस ऐसी है यहाँ पर, इस वाले में देखो, यहाँ पर नीचे देखो, ये अनपोलराइज लाइट, फिर ये पोलराइजर लगा हुआ है, तो सेम पोलराइज लाइट आ जाएगी यहाँ से। कौन सी होगी, वो वाइब्रेशंस होंगी आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि होंगी परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ प्रोपेगेशन। कितनी बात क्लियर है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस साइड है, ठीक है, या लाइट की हम प्रोपेगेशन बोल सकते हैं कि इस साइड है, और ये वाइब्रेट हो रही है इसके परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। अब जो एनालाइजर है यहाँ पर, इसको ध्यान दो, यहाँ पर जो एनालाइजर था देखो, बिल्कुल सेम एज इट इज लगा हुआ था जैसे पोलराइजर था। इसके एक्सिस देखो, इसके बिल्कुल पैरेलल थे, लेकिन अगर यहाँ पर देखो, ये वाले एक्सिस कैसे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें ये चीज़, और इसका एक एक्सिस देखो, तो वो किसके, इसके साथ अगर हम देखें एंगल कितना है, वो 90 डिग्री का। देखो कैसे पता चलता है, ये वाला ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और इस वाले एनालाइजर का इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री पे अगर इस तरीके से होगा, तो देखो वाइब्रेशंस तो इस तरीके से आ रही थी, तो इसमें से क्या होंगी, वो पास आउट नहीं होंगी। आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर तो इसमें से एज इट इज़ निकल सकती है, जैसे फिल्टर होता है, इस तरीके से आप समझो, यहाँ से तो इसमें से निकल जाएंगी ये चीज़, इस तरीके से बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, अगर ये वाली लाइन्स इस तरीके से लगी हुई हैं कि इसके परपेंडिकुलर हैं, या इस लाइट के भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर आप देख रहे हो, तो ये इसमें से पास होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके नो लाइट होगी। तो ये एनालाइजर इसीलिए बनाया हुआ है, पोलराइज तो हो गई, पोलराइज लाइट आ गई, लेकिन एनालाइजर भी पोलराइजर की तरह ही है, लेकिन एनालाइज कर रहे हैं हम कि अगर ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो कुछ भी यहाँ पर आपके पास एब्जॉर्ब नहीं होगा, सेम एज इट इज बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर एनालाइजर इस तरीके से रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसमें से कुछ भी पास आउट नहीं होगा, नो लाइट आएगी। कितनी बात क्लियर है, समझ रहे हो ये चीज़ इतनी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही था, ये अनपोलराइज लाइट थी, ये पोलराइजर, ये पोलराइज लाइट, ये एनालाइजर, समझ रहे हो, और यहाँ पर नो लाइट। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें याद रखना, ये जो S लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। दूसरी एक कहानी समझना, कि ये तो 90 डिग्री पे था, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम किसी और एंगल पे इसको रखें, ठीक है, जैसे तो 90 डिग्री है, थोड़ा सा और टिल्टेड कर दें, तो ठीक है, थोड़ी बहुत लाइट पास होगी, लेकिन
वो डिपेंड करेगी कितना एंगल है, ठीक है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, कितनी लाइट पास होगी, कितनी इंटेंसिटी आएगी, ये सब हम लॉ ऑफ मल्लस में बात करेंगे, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मल्लस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्लियर। तब तक आप ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट नोट करो, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।